गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर. लेट्स प्ले विथ सम प्रॉब्लम्स. इफ़ यू लाइक दिस गेम देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. दीज ऑल फिजिक्स प्रॉब्लम्स आर सेलेक्टेड बाय आवर सब्जेक्ट एक्सपर्ट. लेट्स प्ले. चलो बच्चों, सिंथेसिस के नए जो इनिशिएटिव है उसके अंदर सेकेंड क्लास की स्टार्टिंग करते हैं. जो प्रॉब्लम्स पिछले लेक्चर्स के अंदर बच गई थी वो प्रॉब्लम्स अपन स्टार्ट करें. चलिए. ए स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट एच. ठीक है बच्चों, एक पत्थर है वो एच हाइट से फ्रीली फॉल कर रहा है. इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकेंड. ठीक है, यह 9h/25 जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है लास्ट सेकेंड में. द वैल्यू ऑफ एच इज, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें. एक पत्थर है ऊंचाई से साम्यावस्था से मुक्त रूप से गिरता है एवं यह अंतिम सेकंड में 9h/25 दूरी तय करता है. h का मान होगा. ठीक है बच्चों, देखो ये प्रॉब्लम देखने के बाद में मेरे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, फिजिक्स में सदैव आप डायग्राम जरूर बना लें. एक बार डायग्राम से क्या है आपको फील आ जाती है. ठीक है, एच हाइट से अपने गिराया है तो एच हाइट अपन ने ले ली. अब ये बोल रहा है कि लास्ट जो सेकेंड है, लास्ट सेकेंड में ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 9h/25 ये इतना ट्रेवल कर रहा है. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ड्रॉप किया है तो इसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो ले लिया. ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाली जो दूरी ये कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी h माइनस 9h/25. ठीक है बच्चों, 9h/25, देखिए ये वाली दूरी हो जाएगी 16h/25. अब आप मुझे कहोगे कि भाई सर आपने ये वाली दूरी क्यों निकाली. बेटा मैंने ये वाली दूरी इसलिए निकाली, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यदि मैं समीकरण लगाता हूँ आपके, कौन से समीकरण यूज़ करूँगा मैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी समीकरण का यूज़ करूँगा यदि मैं यहाँ से लगाता हूँ. ठीक है, तो एक जो पद है मेरे पास वो ज़ीरो मिलेगा मेरे को, तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब देखो मान लिया मैंने कि इसको समय जो लग रहा है वो टी समय लग रहा है. ठीक है, तो लास्ट सेकेंड की जब बात कर रहे हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 16h/25 जो दूरी है ये तय कर रहा होगा टी माइनस वन में, क्योंकि लास्ट सेकेंड की तो बात कर रहा है, एक सेकेंड की. ठीक है, अब आप क्या कीजिए, s इज इक्वल टू अपने को जो इक्वेशन यूज़ करनी है, जो समीकरण यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है ये. ठीक है, अब देखना h हाइट, h ऊंचाई है, यहाँ से यदि मैं मुक्त रूप से इसको छोड़ दूँ तो ये तय करता है t समय में बेटा. ठीक है, और 16h/25 बेटा ये ट्रेवल करता है टी माइनस वन का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वन. ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो. जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, इसको भाग लगाओगे, तो आई थिंक ये हो जाएगा 25/16 टी अपॉन में टी माइनस वन इस पूरे का स्क्वायर. ठीक है, अब इस स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 5/4 इक्वल टू टी अपॉन में टी माइनस वन. ठीक है बेटा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो. यदि आप गुणा करोगे तो देखिए 5t-5 इक्वल टू 4t. ठीक है, अब ये 4t इधर आ जाएगा और ये 5 उधर चला जाएगा, तो t की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, t की वैल्यू आएगी 5 सेकेंड. ठीक है, अब t की वैल्यू आपके पास 5 सेकेंड आ गई, तो आप क्या कीजिए, जो प्रथम समीकरण क्या है अपने पास, प्रथम समीकरण h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो लेके चली थी अपन ने प्रथम समीकरण अपने, ये दूसरी थी. अब देखिए 1/2 इंटू में 9.8
इंटू में 5 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 122.5 मीटर आपको प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने जी की वैल्यू 9.8 क्यों ले ली, यहाँ पे बोल मतलब बताया हुआ नहीं था। तो देखो, यदि आप जी की वैल्यू 10 लेके चलते हो तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो आंसर है कितना आएगा, देखो आप 10 लेके चलोगे तो 125 के समथिंग आएगा। तो 125 आप देखिए ऑप्शन में, ये 145 है, ये 100 है, ये 122.5 है, ये 200 है। ठीक है बेटा, तो 125 के आसपास का आंसर आप लगा सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्ट आपका 9.8 से मिल जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चले देखिए। ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट एच, ठीक है, ड्रॉप किया है अपन ने एक स्टोन को। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन में ये बोल रहा है कि एच हाइट है, ड्रॉप किया है मैंने, तो यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास जो समीकरण मिलेगी वो मिलेगी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आगे आफ्टर टी सेकेंड ऑन अर्थ बोल रहा है भाई, आफ्टर टी सेकेंड ऑन अर्थ। अब देखिए, फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू स्टोन्स आर थ्रोन, ठीक है बेटा, ये तो है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, ये बोल रहा है दो पत्थर मैंने फेंके हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन आ जाएगा, दो पत्थर मैंने फेंके हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। एक मैंने पत्थर बेटा फेंक दिया ऊपर की तरफ और एक पत्थर फेंक दिया नीचे की तरफ, और दोनों का जो वेग कितना होगा, यू, सेम वेलोसिटी, यू लेनी है दोनों के लिए, यू ले ली। इसके लिए आपको टाइम लेना है T1, इसके लिए टाइम लेना है T2। अब सेम बिल्डिंग से फेंका है तो हाइट इच की रहेगी सेम, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखना आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखो हिंदी मीडियम वाले एक बार क्वेश्चन देख ले, मैं ये क्वेश्चन, ठीक है, एक पत्थर किसी ऐसे टाइम में छोड़ा जाता है या टी सेकेंड में पृथ्वी तल पर पहुँचता है, उसी मीनार से दो पत्थर, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो क्रमशः जब भी लिखा हो तो पहले वाले के लिए T1 लेवें और दूसरे वाले के लिए T2 लेवें, ठीक है। तो ये T1 T2। अब आपको यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यूज़ करना है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले सुने, चिन्ह परिपाटी। क्या यूज़ करना है बेटा? चिन्ह परिपाटी। और वैसे यदि इंग्लिश मीडियम वाले साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं समीकरण लिखता हूँ पहले वाले के लिए। अब देखो साइन कन्वेंशन के अंदर या फिर चिन्ह परिपाटी के अंदर बच्चों आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जितनी भी राशियाँ या जितनी भी क्वांटिटीज़ ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है वो सारी की सारी पॉजिटिव, और जितनी भी क्वांटिटीज़ नीचे की तरफ डायरेक्शन में है, जितनी भी राशियाँ नीचे की तरफ डायरेक्शन में है वो सारी की सारी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब देखो ये यहाँ से जा करके नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो विस्थापन इसका कहाँ हुआ? नीचे की तरफ, एच। तो पहले के लिए यदि मैं लिखूं तो माइनस एच, ठीक है, वेग क्या है अपना ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव, टाइम तो समय T1 दे रखा है अपने को। लेकिन यदि मैं जी की बात करता हूं तो जी सदैव नीचे की तरफ लगेगा, तो इसलिए मैंने टाइम जी की जगह क्या लिख दिया? माइनस जी। ठीक है बेटा, ए की जगह माइनस जी, जी की जगह माइनस। अब यहाँ देखिए, यदि मैं ये वाले की बात करता हूँ तो ये वाले के अंदर वापस ये समीकरण तो हो गई, इसके अंदर बात करता हूँ, यहाँ पे आप समीकरण दे दो 1, ये तो अपनी मेन समीकरण है, इसको यूज़ करेंगे, देखना कैसे, ये तो 1 हो गई। अब देखो यहाँ पे वापस वही माइनस एस तो आएगा, ठीक है, लेकिन अब नीचे की तरफ अपन इसको फेंक रहे हैं तो माइनस यू T2, और जी तो आपको पता ही है भाई सार्वभौमिक सत्य है, यदि चिन्ह परिपाटी यूज़ आप कर रहे हो तो जी सदैव नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, जी हमेशा नीचे की ओर या फिर अर्थ के सेंटर की ओर, ये ध्यान रखें ग्रेविटेशन के हिसाब से बोलेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन्हीं जो इक्वेशन है माइनस मल्टीप्लाई करके इसका रूपांतरण कर दीजिए, तो माइनस यू T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गई आपके तीसरी समीकरण। समीकरणों से खेलना है इसमें, इसको देखो आप, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे माइनस हटा दो तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा चौथी समीकरण। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की फील ले ली अपन ने। क्वेश्चन कह रहा था कि T1 T2 रेस्पेक्टिवली देन कभी भी दिया हो तो कोई ना कोई ये चीज़ प्रूफ करवाना चाहेगा। तो देखो टाइम ही टाइम आ रहा है, समय ही समय आ रहा है चारों ऑप्शन में, तो अपने को ना तो एच चाहिए, ना यू चाहिए, ना जी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ से जो मैंने वैल्यू जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है यूज़ वही करना है बेटा जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो।
ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दी गई है। अब मैं इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू तीसरी समीकरण में मैंने रखा माइनस यू टी वन प्लस में हाफ जी टी वन स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये हाफ जी टी स्क्वायर अब चौथी में रख रहा हूँ मैं, तो यू टी टू ठीक है प्लस में हाफ जी टी टू का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप क्या कीजिए, जी वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो एक साइड में ले लीजिए, इसको मैं इधर लाऊंगा, ठीक है इसको मैं इधर लाऊं या फिर इसको उधर ले जाऊं, बात एक ही है। तो मैं ये करता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस यू चेंज हो जाएगा, तो ये आपके समीकरण लिखते रहो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। पाँचवें और छठे को फिर रूपांतरित करना है, कैसे रूपांतरित करना है देखिए, ये वाला मैं लेके गया ठीक है ना, ये वाली क्वांटिटी ले गया मैं इधर, तो हाफ जी आपने ले लिया ठीक है बेटा, तो टी स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बेटा ये आ जाएगा माइनस यू टी वन। ठीक है बेटा, और ये यहाँ पे मैं ये दे लिखूँ वापस वही टी स्क्वायर, तो ये था ये इधर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर बेटा इसको टू बेटा क्या आ जाएगा यू टी टू बेटा। ठीक है, अब यह माइनस का जब मल्टीप्लाई आप करोगे, माइनस को इधर से गुणा करोगे और इसका भाग लगाना है बेटा। अब देखो जैसे ही भाग लगाओगे तो हाफ जी से हाफ जी उड़ जाएगा, यू से यू उड़ जाएगा, तो जितनी भी समीकरण अपने पास यहाँ पे बचेंगी इसके भाग लगाने के बाद में जो भी समीकरण बचेगी, जितनी भी समीकरण बचेगी वो सारी की सारी क्या बचेगी समय के पदों में, ठीक है समय के टर्म्स में बचेंगी। अब देखो तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टी वन स्क्वायर, ठीक है क्योंकि ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन में ये क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस में टी टू स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा टी वन बाय टी टू, अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टी वन स्क्वायर टी टू माइनस टी स्क्वायर टी टू बेटा। ठीक है बेटा, अब इधर मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर टी वन, ठीक है बेटा अब इधर माइनस टी टू स्क्वायर टी वन। चेक करते रहिए कभी साथ साथ में, चेक करते रहिए, एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, साथ साथ में एक्टिव रहिए। क्वेश्चन देखो लेंदी हो सकता है लेकिन यदि आपके प्रोसेस के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है तो हमेशा एकदम राइट आंसर आएगा, बस कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा मैथ्स कई बार ज़्यादा हो जाती है। अब देखो ये वाली जो टर्म है ये मैं ले जाता हूँ इधर और टी वाली टर्म ले जाता हूँ उधर, ठीक है ये वाली टर्म इधर लेके आऊँगा तो ये टी वन स्क्वायर टी टू, ध्यान देना ध्यान से, ध्यान देना भाई ध्यान से, समझ रहे हो मतलब ध्यान को भी ध्यान से देना है, टी वन प्लस टी टू ये मैंने लगा दिया बैक कट, यहाँ इधर इधर लेके गया फिर मैंने कॉमन भी ले लिया, यहाँ से यदि मैं टी वन एंड टी टू कॉमन ले लूँ तो आई थिंक ये बचेगा टी वन प्लस में टी टू बेटा, आ जाएगा बेटा ये टी स्क्वायर टी वन प्लस टी टू बेटा, टी वन प्लस टी टू से टी वन प्लस टी टू कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से यदि मैं लिखूँ तो सीधा टी इज इक्वल टू टी वन एंड टी टू रूट में बेटा। ठीक है, तो तीसरा जो है ऑप्शन वो अपना राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, आ गया समझ में, करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने फ्लो दिया है उसी के हिसाब से आपको चलना है। पहले देखो हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने में सिर्फ आपको लगेगा कि भाई टाइम लग रहा है लेकिन उतना टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, तो डायग्राम एक बार जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना लो, उससे क्या फील आ जाएगी। तो मैंने पहले यही किया, डायग्राम बनाया, पहला डायग्राम बता दिया, फर्स्ट लाइन जो दे रखी थी मैंने तो उस हिसाब से मैंने पहला डायग्राम बना लिया, फिर मैंने सेकंड लाइन के अंदर जो दे रखा था उस हिसाब से मैंने सेकंड डायग्राम बना लिया, उससे मेरे को एक फील आ गई कि भाई ऐसे तीन इक्वेशंस निकलेंगे उनको फिर कंपेयर करना है और टी वन टी टू के फॉर्म में आंसर लेके आना है। सबसे बड़ा हिंट यही है कि ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐसा गणितीय आपको कुछ करना है इसके अंदर जिससे आपका आंसर टी वन टी टू के फॉर्म में आ जाए। कर लोगे बेटा, चलो चले आगे आगे देखिए। टू पैरेलल रेल्स रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
ट्रेन ए मूव नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 51 किमी पर आवर, ठीक है, एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किमी पर आवर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किमी पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम वाले पढ़ लेना भाई। दो समांतर रेल पथ उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हैं, रेल ए 54 किमी प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर, जबकि रेल बी 90 किमी प्रति घंटा की गति से दक्षिण की ओर गतिशील है। एक बंदर रेल ए की छत पर ए के सापेक्ष 18 किमी प्रति घंटा की गति से इसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इस बंदर का वेग धरातल पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष होगा। ठीक है बेटा, अब देखो वापस डायग्राम जरूर बनाना है बेटा, डायग्राम ही फील देंगे। ये आपने लिया ट्रेन ए, मान ली बेटा मैंने, ठीक है, ट्रेन ए जा रही है आपके उत्तर की ओर, ठीक है, और ट्रेन बी बेटा जा रही है आपके दक्षिण की ओर। ठीक है, जो बंदर है, बंदर यहाँ पे है बेटा, बंदर जा रहा है सापेक्षिक रूप से विपरीत। ठीक है, तो यदि मैं लिखूँ ए की बात जब मैं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका परिमाण लिख रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में ध्यान से देखो, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यदि किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा। अब वी बी यदि मैं ले रहा हूँ तो वी बी बेटा कितना आ जाएगा, 90 × 5/18, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये बेटा 25 है, ये 5। ठीक है बेटा, अब देखो बंदर जो है ये बेसिकली जो बता रहा है अपने को, वो आपको बता रहा है बंदर सापेक्ष ट्रेन, तो वी एम माइनस वी टी। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये जो है ये तो है सापेक्ष, ये लेकिन है आपके धरातल पे खड़े हुए प्रेक्षक के सापेक्ष। ठीक है, ये तो है आपस में सापेक्ष, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, अब यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सदिश रूप से लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, वी एम टी जो है पहले से दे रखा है विपरीत दिशा में, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर यदि मैं बंदर की भी और ले लेता हूँ तो बंदर की कितनी आ जाएगी बेटा, वी मंकी ले लेते हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये आई थिंक ये आ जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अब देखो दिशा की जब मैं बात करूँगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बंदर नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं माइनस जे ले लेता हूँ, -5 जे। ठीक है बेटा, ये आपके धरातल के सापेक्ष हो गया। ठीक है, और ये ट्रेन है, तो ट्रेन को जब मैं लिखूँगा तो -15, ट्रेन जा रही है ऊपर की तरफ, तो जे कैप। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो वी एम जब आप निकालोगे, ये 15 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 जे कैप। ठीक है, यदि आप परिमाण की बात कर रहे हो तो परिमाण इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड नहीं है, ये मैंने सीधी सिंपल लाइन खींची। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया मजा आया। इसमें बी की इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसे ही गिवन है, या फिर इसके 2 या 3 तरह के पार्ट आगे हैं, लेकिन ये एक ही टाइप पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, आगे देखें। अब ये देखो सेम टू सेम जैसा आपने पीछे फॉलो किया था ना, बस वो सेम टू सेम चीज़ फॉलो करनी है। क्या अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि यहाँ किमी पर आवर, यहाँ पे भी किमी पर आवर, तो घबराने की कोई बात नहीं है। डायरेक्टली यदि मैं लिखूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ कार। अब बुलेट ये खुद बोल रहा है कि विपरीत दिशा में, ठीक है भाई, इफ द स्पीड ऑफ बुलेट इज 250 किमी पर आवर रिलेटिव टू कार, ठीक है, देन फाइंड इट्स स्पीड। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में ये फायर कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमेशा इसके अंदर ध्यान रखना, जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन आपने ली, जैसे कार जा रही है भाई, कार बना लेता हूँ डायग्राम अपना, ठीक ठीक ही बनता है, चलो बन गया। ठीक है, कार मान लो जा रही है ऐसे, इसने फायर की है ऐसे वी बी। ठीक है, अब सापेक्ष के अंदर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको पॉजिटिव मानो,
माना मैंने वी बी को, मैंने मान लिया पॉजिटिव, ठीक है भाई, वी बी को मैंने क्या मान लिया पॉजिटिव, तो ये 250, ठीक है भाई, डायरेक्शन आई कैप जे कैप लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैग्नीट्यूड पूछा तो मैं डायरेक्टली गेम खेलूँगा। वी बी ये तो इसके रिलेटिव हो गया, ठीक है ना, डायरेक्शन लगा लो, ये मैंने इसको पॉजिटिव माना है, मतलब ये आई कैप हो गया, ये इसके रेस्पेक्टिवली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस, माइनस का साइन 100, ठीक है भाई, यहाँ क्या ले लो माइनस आई कैप, मैंने उल्टा ले लिया, अब चीनी प्रॉपर्टी ध्यान देना, तो ये आई थिंक आपके 250 आई कैप, ठीक है बेटा, ये 5 थोड़ा फ्लो के अंदर हमेशा ऐसे ही बन जाता है, ये 250 आई कैप, ये इधर प्लस में होगा फिर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 100 आई कैप वी बी, ठीक है बेटा, तो वी बी आई थिंक 150, ठीक है, किमी पर आवर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो जाएगा बेटा, इजी था, हिंदी मीडियम वाले देख ले में। एक खुली कार सीधी सड़क पर की रफ्तार से गति कर रही है, इस कार में बैठा एक व्यक्ति गति की विपरीत दिशा में वेग से गोली दागता है, इस गोली का वेग पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष होगा, तो मैंने आपको बताया था ये आप जब भी निकालते हो तो ये सारा पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष होता है, प्रक्षेप नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे वर्ड आएगा प्रेक्षक। आगे चलो बेटा, अच्छा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है द एसेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज शोन इन द ग्राफ बिलो अदर देन दिस, ठीक है। अब ये कंडीशन अपने को दे रखी है, ये क्या पूछ रहा है अपने से कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जीरो के अलावा कहाँ जीरो, ठीक है ना, जीरो के अलावा वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ जीरो होगी, ये अपने से ये पूछना चाह रहा है, ठीक है बेटा, कहाँ जीरो होगी सोचो, जो ए टी ग्राफ है उसका जो एरिया है वो अपने को देता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एरिया मैंने मान लिया A1 और ये वाला एरिया मैंने मान लिया A2। अब यदि मैं A1 एरिया की यदि बात करूँगा तो A1 माइनस A2 लिखूँगा, ठीक है ना बेटा। अब देखना आप ये एरिया कैलकुलेट, मेरे को देखने से ही फील आ रही है, आप ये एरिया कैलकुलेट करके देखना, ये जो नेगेटिव वाला एरिया है तो अपने को जीरो लाने के लिए इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से A1 जो है यहाँ पे वो ज़्यादा है, सिंपल से थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, A1 यहाँ पे क्या है बेटा ज़्यादा है, तो A1 ज़्यादा है तो जो कंडीशन अपने को दे रखी है तो 5 तक तो ये वाली वैल्यू आएगी A1 माइनस A2, ठीक है ना, 5 तक ये वाली वैल्यू आएगी तो इसलिए ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एट नो अदर टाइम लेस देन और इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है इस ग्राफ के हिसाब से कहीं पर शून्य नहीं होगी, हिंदी के अंदर इसको आप यदि करना चाहो तो कर लेना कि 5 सेकेंड के बराबर या उससे कम जीरो नहीं होगी, 5 सेकेंड के बाद में यदि ग्राफ कहीं आगे बना हो तो हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, अपन देखते हैं चीज़ को। ए बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी, वापस वही डायग्राम बना लो कि हाइट डी से मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया है, यदि किसी बॉल को ड्रॉप किया है तो बॉल जो है आपके हिट कर रही है और वापस बाउंस बैक कर रही है, ठीक है, बाउंस बैक वो कर रही है आपके D/2 तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये हिट कर रही होगी तो लेट जो मैंने मान लिया वेलोसिटी V1, यहाँ पे मैंने मान लिया वेलोसिटी V2, तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, इसका मतलब यही तो हुआ, V2 यहाँ पे इससे कम है तभी तो उतनी हाइट के बराबर नहीं जाएगा, नहीं तो यदि ये वेलोसिटीज़ दोनों की दोनों बराबर होती, याद कीजिए फटाफट, यदि दोनों की दोनों वेलोसिटीज़ बराबर होती तो ये वापस डी हाइट तक जाता, क्यों वापस कुछ चीज़ें याद करवा रहा हूँ साथ में, क्यों जाता, क्योंकि यदि ये V1 हो जाता, यहाँ पे देखो वापस यहाँ से आया V1 कहाँ हुआ √2gD,
इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की तो v1 हो गया, ठीक है। वापस यदि v1 होता इस मोशन के अंदर, यदि मैं v1 मानता हूँ तो v1 होता तो ये किस हाइट तक जाता, v1 स्क्वायर अपॉन में 2g। ध्यान से देखिएगा आप, तो v1 की वैल्यू ये रखूँगा मैं 2gd अपॉन में 2g, किस हाइट तक जाता बच्चों, डी हाइट तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ही यही है कि ये जो v2 है आपका, ये v2 इससे कम आया है, ठीक है। अब दूसरा जो आपको देखना है, ये आपके चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये वैल्यू है आपके नेगेटिव, ठीक है बेटा, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पॉजिटिव। तो ग्राफ दो सेक्शन कवर करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन माना जाता है पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन माना जाता है नेगेटिव, तो ग्राफ इन दोनों के अंदर बनेगा। तो आपके देखिए, दूसरा ग्राफ कैंसिल आउट हो गया, चौथा ग्राफ कैंसिल आउट हो गया भाई, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि आप वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है आपको, वेलोसिटी और हाइट, वी और एच के बीच में ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है। अब वी के अंदर आप ध्यान देना, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यदि एक टर्म स्क्वायर की आ रही है, एक टर्म आ रही है सिंगल, ये तो स्क्वायर ही है, v1 स्क्वायर ही तो था, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gd। यदि एक टर्म स्क्वायर की आ रही है और एक टर्म सिंगल आ रही है, तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, कर्व में बनेगा, सिंपल लाइन नहीं बन सकता, कर्व में बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 1, ठीक है। उसके बाद में ग्राफ से भी आप, यदि आपने एक बार ये थ्योरेटिकल एनालिसिस करके ग्राफ निकाले, तो अब आप कुछ चीज़ें चेक कर सकते हो। जैसे मान लो जब मेरा वैल्यू डी है, मतलब डी हाइट पे है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वी की 0। देखो ग्राफ के अंदर डी पे 0 आ रही है, ठीक है। जब मेरा डी 0 है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, v1, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है मैक्सिमम, तो नीचे की तरफ टच कर रहा है वो, ठीक है, डन है। यदि मैं डी इक्वल टू 0 लेता हूँ सेकंड वाले केस में, यहाँ पे भी तो डी इक्वल टू 0 है, लेकिन जो वेलोसिटी है जस्ट चेंज हो गई v2, तो जस्ट ऊपर वाले ग्राफ में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, v2 जो है यहाँ पे वापस आते आते इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, फाइनल जो इसकी वेलोसिटी है बेटा वो हो जाएगी 0, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी इसकी बेटा हो जाएगी 0, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी इसकी, ठीक है। पॉजिटिव तो आ गई लेकिन धीरे धीरे कम होगी, तो देखो फर्स्ट ग्राफ में धीरे धीरे कम हो रही है, तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर, ठीक है बेटा। आगे चले, अब ये देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, मतलब ग्राफ से ग्राफ का पूछा हो और लाइन दे दी हो, ठीक है, और दूसरे यदि दूसरी तरह ग्राफ भी दे दिया हो, तो ट्राई ये क्या कीजिए कि इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाए। कैसे, देखो ध्यान से, यदि आप हिंदी मीडियम के माध्यम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, यदि आप सरल रेखा के समीकरण को याद करेंगे, तो सरल रेखा के समीकरण y = mx + c भी होती है, और y - y0 y2 - y1 / x2 - x1 और x - x0, ठीक है बेटा, या फिर x0 की जगह यहाँ पे y1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1-1 हो गया, ठीक है। ये समीकरण है बेटा, अब ये समीकरण अपन यहाँ पे लगा के देखते हैं, ये वाले समीकरण लास्ट में बनानी है, इसी से सेम टू सेम पार्टी है, देखना ध्यान से, क्योंकि आपको बताया गया होगा जो m होता है वो बेटा tan थीटा भी होता है, ठीक है बेटा, और y2 - y1 / x2 - x1 भी होता है बेटा, और m कई बार कई ग्राफ्स के अंदर dy/dx भी हो जाता है बेटा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी, ठीक है भाई। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से ट्राई करके देखते हैं। y - y0, y एक्सिस के ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, v - y1 क्या है आपके पास, v0, ठीक है। y2 क्या है, 0, y1 क्या है, v0, तो माइनस का v0 अपॉन में x2 आपके पास क्या है, x0, x1 क्या है, 0, तो ये x0, ठीक है, और x1 क्या है आपके पास, 0, क्योंकि ये है यहाँ पे, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है बेटा, ये डायरेक्टली आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा -v0/x0 x, ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे प्लस का v0। अब ध्यान से देखो, y = mx + c से आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लो, कैसे, अब देखो धनात्मक प्रतिच्छेदन बिंदु वाई पे है भाई, धनात्मक फर्स्ट ग्राफ देखो वी वाला, और ऋणात्मक ढाल भी है, नेगेटिव स्लोप भी है अपने पास,
ठीक है, तो ये सही है अपने पास। अब देखो ए का जो ग्राफ आपको दे रखा है ऑप्शंस के अंदर, वो ए एक्स का ग्राफ दे रखा है। ए के अंदर बेटा दो तरह की इक्वेशन होती हैं, एक होती है बेटा वी डी वी बाई डी एक्स और एक होती है बेटा डी वी बाई डी टी। तो जब ए और एक्स के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो अपने को ये यूज़ में लेना है। वी तो अपने पास है पहले से, ये री इक्वेशन। अब डी वी बाई डी एक्स आपको निकालना है। डी वी बाई डी एक्स जब निकालोगे तो ये तो आपके द्वितांक हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ये जीरो हो जाएगा। ओनली वैल्यू क्या आएगी, माइनस वी जीरो बाई एक्स जीरो। अब ए की वैल्यू जब आपको लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, वी डी वी बाई डी एक्स। तो वी के साथ में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जब मल्टीप्लाई करोगे वी जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर एक्स माइनस का वी जीरो स्क्वायर एक्स जीरो, ट्राई करना भाई, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे आप डी वी बाई डी एक्स को तो ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे देखो ढाल क्या है, स्लोप क्या है आपके, धनात्मक, और प्रतिच्छेदन जो है वाई एक्सिस पे वो क्या है, ऋणात्मक, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर ढाल तो है धनात्मक और प्रतिच्छेदन हो ऋणात्मक हो। देखो पहला ग्राफ, तो फर्स्ट विल बी आवर आंसर, ठीक है बेटा। आगे चले, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट की समीकरण आपको बता रखी है बेटा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की समीकरण दे रखी है, कांस्टेंट दे रखे हैं। अब ये जो पूछ रहा है थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, गो इन डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब टाइम यदि बढ़ाएंगे अपन तो ये जो आपके वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी कण विस्थापन एक्स है, समीकरण दे दिया आपको, ये ए बी अल्फा बीटा धनात्मक नियतांक है, अब समय के साथ घटता है, अल्फा बीटा निर्भर नहीं करता, अल्फा बिल्कुल टू बीटा हो तो शून्य हो जाता है, समय के साथ बढ़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है ना। अब देखना एक्स यदि आपके पास दिया हुआ है ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस में बी ई की पावर बीटा टी, बेटा यदि वी की बात मैं करता हूँ तो माइनस अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, क्यों, डी एक्स बाई डी टी करना है, ठीक है बेटा। तो बी बी ई की पावर बीटा टी, ठीक है बेटा। यदि ऐसा आ जाए आपके पास तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके ऋणात्मक, ये वैल्यू है धनात्मक, लेकिन साथ में देखना टाइम के साथ कौन सी वैल्यू परिवर्तित हो रही है, ये वाली। जब समय के साथ ये वैल्यू परिवर्तित हो रही है तो इसका जो ग्राफ है ना बेटा, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। और ये जो आपको दे रखा है ई की पावर बीटा टी, इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनता है। तो देखो ये ऋणात्मक तो है मैंने मान लिया, लेकिन चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, लेकिन ये जो वैल्यू है धीरे धीरे इसको और कम करती जाएगी, ऋणात्मक मान कम होता जा रहा है और धनात्मक मान जो है वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ। तो आप बताइए, तो ये समय के साथ में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो चौथा ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर बेटा। चलो बच्चों आगे चलते हैं, देख लेते हैं कहीं कोई क्वेश्चन रह ना गया हो। देख लेते हैं स्टार्टिंग से, हाँ ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं वो ट्राई कर लें पहले, ठीक है। अब देखो ए बॉय बिगिन टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग ए स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, द ग्राफ ऑफ हिज पोजीशन फ्रॉम हाउस। देखो पोजीशन का ग्राफ है ये, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मीन्स, पोजीशन का कहने का अर्थ है आप डायग्राम बनाओगे, मतलब पहले ये जीरो पे था, फिर ये 40 पे पहुंच गया, ठीक है। ध्यान से देखना ग्राफ के हिसाब से, फिर ये 40 पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये टाइम रोका, फिर ये, अब मैं कलर दूसरा ले लूँ एक बार, उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा इजी। ये देखिए यहाँ पे था ये, तो यहाँ तक पहुँच गया, फिर वापस -20 तक आ गया बेटा, -20। अब आप यदि परिमाण में लोगे तो ये 20 काउंट होगा, लेकिन ये -20, देखो ग्राफ के हिसाब से नीचे की तरफ है तो -20, ठीक है बेटा। तो -20 तक आ गया बेटा। अब ये क्या है, वापस अपने घर पे पहुँच गया, ठीक है। अब पूछा क्या है अपने से, पूछा है बेटा अपने से एवरेज स्पीड। अब बेटा जब एवरेज स्पीड पूछी जाए तो सदैव आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे,
दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक है एवरेज स्पीड, एवरेज तो हिंदी मीडियम वालों को पता ही होगा और ये चाल भी पता ही होगी, औसत चाल। इसका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है बेटा। और यदि एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, मतलब औसत वेग के बारे में पूछा जाए, तो बात होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है बेटा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन जो भी आपने तय किया है, और अपॉन में कुल समय। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कभी भी आप औसत निकालते हो तो समय आपको पूरा का पूरा देना है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं घूमने गए, ठीक है। अब आप घूमने गए और घूम करके वापस घर पे आए, अब जहाँ आप घूमने गए थे वहाँ पे आप यदि 4 घंटे भी रुके हों, आपके घर वालों के लिए, आपसे मैं पूछूँ, ठीक है ना, आपसे मैं पूछूँ कि आपके घर वालों के लिए आपका जो औसत चाल है वो क्या रही, तो घर वाले क्या मानेंगे। जैसे मान लो आप 9 बजे गए थे, 4 घंटे बाद आप आए, ठीक है, दूरी आपने तय करी 4 किलोमीटर। अब आपने भले ही वो दूरी 4 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10-15 मिनट में तय कर ली हो, 10-15 मिनट जाने के, 10-15 मिनट आने के, तो आधे घंटे में तय कर ली हो, ठीक है। लेकिन घर वालों के लिए यदि मैं पूछ रहा हूँ औसत चाल की बात, तो हमेशा ध्यान रखें क्या रहेगी उनके लिए, टोटल कितनी दूरी थी 4 किलोमीटर, और टोटल समय कितना है 4 घंटे, ठीक है ना, 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी हो। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जब भी आप गेम खेल रहे हो, इस गेम के अंदर आपको समय जो लेना है वो संपूर्ण समय लेना है। अब आप रेस्ट कर रहे हो, उस समय चाय पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको संपूर्ण समय लेना यहाँ पे आवश्यक है, ये ध्यान देना बस, ठीक है। दोनों के अंदर समय संपूर्ण लिया जाएगा। अब यहाँ देखो, अब जैसे ये आप बोलोगे कि सर ये 40 पे था, लेकिन 5 से 10 के बीच में तो ये 40 पे ही था, तो अपन ये को काउंट करेंगे, यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, ये टोटल लेना पड़ेगा आपको। तो अब देखो, 40 तो आपके ये हो गया, 40 आपके ये हो गया, 20 आपके ये हो गया बेटा, और 20 आपके ये हो गया बेटा, तो टोटल जो आपकी दूरी है, टोटल डिस्टेंस है, वो इसने तय कर ली बेटा आपके 80 प्लस में 40 बेटा, तो कितना हो गया बेटा 120, ठीक है बेटा, मीटर। अब बाद में आप देखेंगे ऑप्शन पे पूछा किस में, पर मिनट में पूछा है, तो एवरेज जो स्पीड है वो बेटा आपके पास हो जाएगी 120 अपॉन में बेटा अपन कर देंगे कितना 20, तो देखो लास्ट में 20 मिनट ही लग रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर मिनट बेटा, ठीक है, आ गया होगा समझ में। पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा इस पर बस, हम थोड़ा स्लोली स्लोली देखें आगे, ये वाला। अब देखिए, टू बॉयज़ आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी, चलो भाई जो जो बोला जाए बना लीजिए, एक ए पे है और बी पे, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है बी जो है, द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी डायरेक्शन से U1 वेग से ये स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है, मोशन स्टार्ट कर दिया, और इनके बीच में जो दूरी दे रखी है बेटा वो दे रखी है ए, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी U, ए जो है ए का वेग तो इसने बता दिया, दिशा नहीं बताई है। अब आप खुद सोचिए, यदि टी समय पश्चात ये यहाँ पे होगा, तो इसको यहाँ पे पहुँचना है ना, तो ए जो तय करेगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए तय करेगा, क्या तय करेगा बेटा, विकर्ण, ए को जो दूरी तय करनी है वो विकर्ण के बराबर होगी। तो ये बोल रहा है कि टी समय के पश्चात ये ए को पकड़ लेता है, ठीक है भाई, टी समय के पश्चात ये ए को पकड़ लेता है। जब टी समय के पश्चात ये ए को पकड़ लेगा, तो बी जो है टी समय में दूरी चलेगा, कितनी दूरी चलेगा बेटा, देखो इसके पास ओनली क्या है, वेग ही तो है, तो दूरी हो जाएगी बेटा U1 इंटू में टी, ठीक है। और ए तय क्या करेगा, विकर्ण तय करेगा, तो देखो ए जो दूरी तय करेगा वो करेगा UT, ठीक है, ए के पास खुद के पास वेग भी तो है, तो ए ये वाली दूरी तय करेगा, कितनी तय
क्या करेगा, यू टी। तो यू टी जब आ जाएगा तो ये दूरी बराबर किसके होगी, ए तो ये और इवन ये, तो विकर्ण क्या होता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ए स्क्वायर प्लस में यू वन टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो इसका स्क्वायर इधर ले आओ, ठीक है ना, इधर लेते हो तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, स्क्वायर इधर आ जाएगा ये, तो यू वन स्क्वायर टी स्क्वायर बेटा, ये इधर ले आओ तो यू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे यदि मैं टी की बात करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर ये वाली जो टर्म है, ये राशि है, पूरा पूरा ब्रैकेट में ये नीचे चला जाएगा, और जब मैं इसको इधर रूट लूँगा इसका तो ए तो बाहर आ जाएगा और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू एन स्क्वायर। देखो बेटा ऑप्शन सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से चलते हैं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन लेने हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ये फाइव आएगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस दे रखी है आपको, डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, प्रोपोर्शनल किसके होगा। देखो ऐसा कभी भी आए ना तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो, और जो भी आपको पूछा है उसकी समीकरण ज्ञात कर लो सबसे पहले, ठीक है। वी वी की समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगी, यू बाई वी मेथड से आएगा। अब कई बच्चे बोल देंगे यू बाई वी क्या है बेटा, तो यू बाई वी जो होगा आपके यू का कर दो वी और वी का कर दो यू, अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक है। या फिर कई बार ऐसे भी याद रखते हैं, अपॉन में सबसे पहले वी स्क्वायर लिख दो और ऊपर वी को तो यूज ले ही लिया, तो वी को छोड़ दो यू का कर दो माइनस वी का कर दो यू को छोड़ दो, ठीक है। अब देखो नीचे तो बेटा क्या आ जाएगा, टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो ऊपर वन था, जब मैंने वन का किया तो जीरो आ गया, और इसका जब मैं करूँगा तो माइनस का साइन है, ध्यान से देना, तो ये आ जाएगा माइनस वन, ठीक है बेटा। अब जब आप इसके हिसाब से ए निकालोगे तो ए बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ए के लिए आप क्या करोगे, ये जो टर्म है डायरेक्टली आप इंक्लूड ना करें, ठीक है। देखो आप दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो पहला तरीका, यहाँ पे स्क्वायर था अपने पास, वापस ये मेथड लगा लो, टी प्लस फाइव की पावर फोर, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट जब करोगे आप, ऊपर तो वन ही था, वन था तो ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर जब इसका करोगे तो ये बेटा आ जाएगा टू टी प्लस फाइव का, ठीक है, और बाद में इसका करोगे तो वन टी प्लस फाइव की पावर वन, ठीक है, बाद में इसका करोगे तो वन, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा टी प्लस फाइव की पावर माइनस थ्री, ठीक है बेटा, आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो अब जो यहाँ से आपको देखना है, आपने वेग की समीकरण आपके पास है, ठीक है, और त्वरण की समीकरण आपके पास है, और ये क्या पूछ रहा है कि समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह बता रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो ऑपरेशन करने हैं अपने को, जो जो चीज़ें दे रखी है आपको ऑप्शन में, अब हिट एंड ट्रायल खेलना है। देखो वी के समीकरण में यदि मैं यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे वाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पे देखो दो बटा तीन यदि करता हूँ, ठीक है, वी के समीकरण में यदि मैं दो बटा तीन करता हूँ तो मेरे पास दो बटा तीन करने के बाद में क्या आएगा, चार बटा तीन आ जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं बैठेगा, ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन अपना नहीं बैठेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यदि मैं इसको तीन बटा दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी प्लस फाइव की पावर थ्री आ जाएगा। ये समानुपाती पूछ रहा है तो दो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ए समानुपाती क्या है, टी प्लस फाइव की पावर माइनस तीन, तो टी प्लस फाइव की पावर माइनस तीन बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो अपना जो आंसर है, व्हाट विल बी आवर आंसर, आंसर हो जाएगा बेटा टू, ठीक है, आगे चले। अब ये देखिए द बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई,
एनर्जी रखी है भाई, थोड़ा सा यूज़फुल जीरो से ड्रॉप कर दिया, इट कवर्स एट मोर डिस्टेंस द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखो लास्ट सेकेंड के अंदर मान लो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है डी, फर्स्ट 3 सेकेंड में तो अपने को पता है, याद कीजिए यदि u इक्वल टू जीरो से ड्रॉप किया जाए तो फर्स्ट 3 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, मैं डिस्टेंस बोला है इसने तो मैं d ले रहा हूँ, नहीं तो आप s कुछ भी लो, ये तो नोटेशन है, हाफ इंटू में 10 इंटू में 9, 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बच्चों 45 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये जो d है ये टोटल मान लिया मैंने कितना है बिगर d, और ये मान लिया मैंने d डैश, तो यहाँ पे d क्या है बिगर d माइनस d डैश। ठीक है बेटा, और d जो है d यहाँ पे क्या है हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, और d डैश बेटा क्या है यहाँ पे, d डैश क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट सेकंड वाला जस्ट अपन ने किया है t माइनस 1 का होल स्क्वायर। आ गया बेटा समझ में, चलिए अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये तो मैंने क्या निकाला है d 3 सेकेंड, ये इसके बराबर है स्मॉल d के, यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो 1/2g ये तो बाहर ले लो, ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यदि आप इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस, अब मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ बच्चों, प्लस, ठीक है प्लस या माइनस, माइनस का साइन आएगा बेटा, ये माइनस 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए आप ये कट जाएगा तो हाफ जी 2t-1, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब ये किसके बराबर है बेटा 45 के, ठीक है तो 45 इज इक्वल टू ये हाफ जी वैल्यू रख दूँ, ये 10 रख दूँ 5 आ जाएगा, ठीक है 2t-1। ठीक है, अब 5 से इधर काटूँगा हम तो 9 2t-1 बेटा, अब देखिए t यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 इधर जाएगा 10 आएगा बाई 2 लगेगा तो 5, तो t इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास गैलीलियो वाला जो मेथड है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया हुआ है, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए रेशियो क्या रहेगा अपने पास 1 2, ठीक है ना, क्या रहेगा 2 नहीं 3 5 एंड 7, तो जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 5, ये आएगी बेटा 15, ये आएगी बेटा 25 और ये आएगी बेटा 45। ठीक है, और ये आएगी बेटा 40 यानी 35। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से हो नहीं पा रहा ये, मैं बता दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसको कहीं स्पेस लेते हैं अपन फिर बताते हैं। कहाँ पे देखें, यहाँ पे देख लो, चलो इधर आ जाएगा, सीन हो जाएगा, देखिए ये इक्वल इंटरवल है। ठीक है, अब देखना रेशियो क्या रहेगा 1 3 5 7 9 11, ये तो रहता है बच्चों, और 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल होता है 5 मीटर का, तो जो डिस्टेंस आएगी, अब मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ इस तरफ सारी 5 15 25 35 एंड 45। ठीक है, यदि आप ये लिख लेते हो, अब आप देखो ध्यान से लास्ट सेकेंड के अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स का सम है, बात समझ में आ रही है, लास्ट सेकेंड के अंदर जो ट्रैवलिंग है वो फर्स्ट 3 का सम है, लास्ट सेकेंड में इसने जो भी ट्रैवलिंग की है, हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चले, अब ये देखिए 400 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक व्यक्ति गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकता है। ठीक है, डायग्राम बना लो भाई, डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकता है ड्रॉप्स, देखो ये टर्म हो रही है
ड्रॉप, यहाँ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ड्रॉप्स में और फेंकने में दिक्कत है, फेंकने के अंदर कोई ना कोई वेग बोलेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लेना, ड्रॉप्स मीन्स यू इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप किया है, यहाँ पे वेग है वो ज़ीरो है। ठीक है, और सेकंड जो है ये आपके 40 या 50, ये 50 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, नीचे से इसने प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, अब जो ये जो टोटल जो दूरी है ये कितनी है, 400 मीटर बेटा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा, ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे बेटा, कि यहाँ जो है आप क्या लगा सकते हो, रिलेटिव सापेक्ष गति कैसे लगा सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, सापेक्ष निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखो जब ये मिलेंगे, ध्यान से देखना, व्हेन दे मीट, जब ये मिलेंगे मिलेंगे मतलब जहाँ ये मिलेंगे तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ठीक है, दोनों चलेगा, तो अपने को बेसिकली क्या करना है, किसी एक के सापेक्ष निकाल लो। इसके सापेक्ष जब आप देखोगे ना, तो सापेक्ष गति में सदैव आप क्या करते हो, जैसे ये दो हैं, ये ए और ये बी, इसकी वेलोसिटी है वी वन और इसका एक्सेलरेशन है ए वन, इसकी वेलोसिटी है वी टू और इसका एक्सेलरेशन है ए टू। ठीक है, तो आप जब बी के सापेक्ष देख रहे हो तो बी को रोक दो, और बी की जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो जस्ट उल्टी डायरेक्शन में इसको दे दो। ठीक है, फिर जो दूरी तय करनी है वो आप निकाल लो। अब देखना कैसे, यदि मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ जी लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर भी और इस पार्टिकल के ऊपर भी नीचे की तरफ जी लग रहा है, इसके पास 50 मीटर पर सेकेंड का वेग है। ठीक है, अब जब मैं इसको रोकता हूँ, जैसे ही मैं इसको रोकूँगा तो इसका जो त्वरण है जी वो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये दोनों जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये दोनों जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों जी कैंसिल आउट हो गए तो इसके पास बचा क्या, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड का वेग ही बचा। ठीक है, ये वाला फंडा ध्यान रखना भैया, फंटास्टिक फंडा है, मतलब जिसके सापेक्ष निकालना है उसको रोक दो, उसका वेग और उसका त्वरण जस्ट उल्टी डायरेक्शन में दूसरे वाले को दे दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रोक दिया, इसको रोक दिया तो इसके पास एक्सेलरेशन था जी, वो मैंने जस्ट इसको रोक करके उल्टी डायरेक्शन में नीचे वाले को दे दिया, तो इसके पास जी तो बचा ही नहीं, अब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 400 मीटर तय करने में बच्चों कितना लगेगा, वो लगेगा 8 सेकंड का टाइम लगेगा बच्चों, कितना लगेगा, ये 50 है भाई, 8 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, कितना लगेगा, 8 सेकंड का। अब जब ये 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, अब 8 सेकंड का टाइम तो दोनों के लिए काउंट हो रहा है, अब इसके लिए देखते हैं अपन 8 सेकंड का टाइम, स्टार्टिंग से ले लो। यदि मैं इस पार्टिकल की बात करता हूँ ए के लिए, ए ले लेते हैं चलो, ए के लिए मैं बात करूँगा तो कितनी दूरी तय करेगा 8 सेकंड में, 64, ये आ जाएगा आपके 32, ये आ जाएगा 320 मीटर। ठीक है बेटा, अब ये जो ए है ये 320 मीटर तय करेगा, ये 320 मीटर तय कर लेगा तो ये 80 मीटर ही तो होगा, तो वो स्थान जहाँ पे ये मिलेंगे वो कहाँ होगा बच्चों, नीचे से 80 मीटर पे होगा, नीचे से 80 मीटर पे होगा। बात समझ में आ रही है, नीचे से 80 सेंटीमीटर पे होगा, सेंटीमीटर क्या, 80 मीटर पे होगा। ठीक है भाई, हो जाएगा, आगे चलें। देखो क्वेश्चंस का थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, ध्यान रखना कहीं आगे ज़्यादा आगे ना निकल जाए। अब देखो, मैन थ्रोज ए बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकल अपवर्ड आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक बॉल फेंक रहा है एट द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, वाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो डैट मोर देन 2 बॉल इन द स्काई एट द सेम टाइम। देखो जगलर आपने देखा होगा, मेले के अंदर वो 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी गेंदें उनको दे दो तो वो हवा के अंदर मूवमेंट करवाते रहते हैं। बेसिकली उनका करवाने का मेन लॉजिक ये है, वो जो उनका कैलकुलेशन ऐसी होती है जिस स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट होती है कि 2 सेकंड में फेंकेंगे तो 2 सेकंड बाद में जो बॉल हवा में गई है वो बॉल अपने हाथ में आएगी, इतने के अंदर वो दूसरी बॉल और फेंक देते हैं।
तो एक मूवमेंट है पूरा, एक मूवमेंट चलता रहता है उनके हाथ का। यदि मैं इसकी बात करूँ तो देखो एक कंडीशन लेके चलते हैं, यदि 2 सेकंड का रेगुलर इंटरवल लिए ले रहा है, ठीक है। अब देखो जी 9.8 लेना है आपको, तो जब मैं 19.6 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल फेंकता हूँ तो पहली बॉल मान लो यहाँ पहुँची, ठीक है, उसके बाद में मैंने ये बॉल फेंक दी, ये तो हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, ये बॉल फेंक दी 19.6 से फेंक रहा हूँ। जब मैं 2 सेकंड बाद में तीसरी बॉल फेंकने वाला हूँगा तो जस्ट ये वाली बॉल मेरे हैंड में आ जाएगी और ये आपके फर्स्ट बॉल ये नहीं है, ये है सेकंड बॉल। अब फर्स्ट बॉल यहाँ आ गई, ठीक है, सेकंड बॉल यहाँ आ गई और ये थर्ड बॉल मेरे एंड से जस्ट मैंने छोड़ी और ये जस्ट मेरे हाथ में आई है। तो एट ए टाइम पे देखो, यदि मैं 19.6 से फेंकता हूँ तो एट ए टाइम पे 2 रह सकती हैं, लेकिन जस्ट मैं ये फेंकने वाला हूँ तो जस्ट ये मेरे हाथ में आने वाली है, ठीक है। तो हमेशा 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी आपको, 2 से ज़्यादा रखनी है तो, ठीक है ना, ध्यान से देना, ये वर्ड थोड़ा अच्छा है, मोर देन 2, 2 से अधिक, ये देखो 2 से अधिक गेंद, ठीक है भाई, 2 से अधिक गेंदे। चलो आगे चले, चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखें। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन अंडरगोज कर रहा है, उसकी जो वेग की समीकरण है वो अपने को दे रखी है, वेग की समीकरण दे रखी है अपने को, वी एक्स बी एक्स की पावर माइनस 2n, ठीक है बेटा। अब एक्सेलरेशन और x की इक्वेशन के बीच में अपने को देखना है, एक्सेलरेशन और x की इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो देखिए वी एक्स आपको दे दिया गया है बीटा x की पावर माइनस 2n, ठीक है बेटा, दे दिया गया है। और यदि वी एक्स की फॉर्म में दे रखा है तो ए के लिए वापस बता देता हूँ, 2 तरह की इक्वेशन बेटा होती है अपने पास, वी डीवी बाई डी एक्स एंड डीवी बाई डी टी। तो अपने को कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली, तो वी तो अपने पास है पहले से, तो अपने को बेसिकली निकालना है डीवी बाई डी एक्स। यदि मैं इसका डीवी बाई डी एक्स निकालूंगा तो आई थिंक एक्स की पावर एन जो है आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये मैं आगे ले लूँ और x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, यदि मैं a की फॉर्म लिखूँ तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो मैं लिखूँगा 2n b स्क्वायर x की पावर मल्टीप्लाई कभी भी a की पावर n और a की पावर 3 को जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो घात हमेशा पावर हमेशा जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ेगी, तो ये पहले से माइनस में, तो माइनस 2n और माइनस 2n क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4n हो जाएगा बेटा, माइनस 4n माइनस 1, ठीक है बेटा। ये अपने पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब आप देख लीजिए कौन सी है अपने पास, आई थिंक सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर, ओके बेटा। आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। और यदि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अदर प्लेटफॉर्म पे। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, बी सेफ एंड बी विथ सिंथेसिस टू अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम्स।